कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, इसे लेकर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तंज कसा है, उन्होंने कहा कि पांच जगह से चुनाव लड़ेंगे तब भी हारेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस अमेठी की सीट पर उनके पूरा खानदान चुनाव लड़ा है वहां से ही वो निकल गए हैं, लेकिन रायबरेली में आकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। दलित के बहुत बड़े पक्षधर हैं वो, इसीलिए जमुई में माँ की धी की किए हैं चिराग प्रसाद को। पांच जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे, ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है, और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। जब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहां की जनता कम से कम साथ तो नहीं देगी।